हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरजी ते। दोस्तों, अज दी वीडियो चे साइंस दे इंपोर्टेड एमसीक्यू दा पार्ट 4 आपां डिस्कस करांगे। हाँ जी, इस तों पहलां साइंस दे 3 पार्ट अपलोड ने, जेकर तुसी ओ पार्ट नहीं वेखे तां अज दी वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स च तुहानू उस दा लिंक मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसी ओ वीडियो वेख सकदे हो। हाँ जी, ए एमसीक्यू पंजाब वार्ड अटेंडेंट दी तैयारी कर रहे विद्यार्थियों लई काफ़ी हैल्पफुल होणगे। इस तो इलावा ईटीटी कैडर, मास्टर कैडर ते पंजाब पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी आज दी वीडियो नू। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी आज दे फर्स्ट क्वेश्चन तो। WBC का मुख काम की है? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिता हुआ है जी। 4 ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट दिता है कार्बन डाइऑक्साइड नू लेके जाना, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी ऑक्सीजन नू लेके जाना, थर्ड ऑप्शन हैगा है रोगों नू रोकण दी शक्ति वधाउणा, ते फोर्थ ऑप्शन हैगा है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, आपां दसणा जी WBC यानी कि वाइट ब्लड सैल का साडे शरीर विच की कम हुंदा है। तां वाइट ब्लड सैल का साडे शरीर विच कम हुंदा जी रोगों नू रोकण दी शक्ति वधाउणा। तां इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तों इलावा सानू पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सैल का जिहड़ा जीवन काल है वह किन्ना हुंदा है। तो इसका जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। इस तो इलावा RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितना होता जी 120 दिन। इसका की कम होता है? इसका कम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नू वापस लेके आना ते ऑक्सीजन नू शरीर विच पहुँचाना। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है खून विच लाल रंग किस दी मौजूदगी दे कारण होता है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। 4 ऑप्शन है अपने को, वेखते हैं। फर्स्ट दिता हुआ जी प्लाज्मा, सेकेंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन दिता है RBC, तो फोर्थ है जी WBC। हाँ जी, खून विच जिहड़ा लाल कलर हुंदा है वह किस दी मौजूदगी दे कारण हुंदा है? हाँ जी, वह हुंदा है हीमोग्लोबिन दे कारण। ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है हेठ लिखियां विचों केड़ी गैस हरा ग्रे प्रभाव लई जिम्मेवार है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। 4 ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है जी सिर्फ मिथेन, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड तो मिथेन। हाँ जी, आप दसना है कि केड़ी गैस जिहड़ी हरा ग्रे प्रभाव लई जिम्मेवार हैगी है? तो वह है जी कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन। ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। तेजाबी वर्खा किस कारण होंदी है? साडे कोल 4 ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड ते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सैकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ते नाइट्रोजन के कारण, थर्ड ऑप्शन दिता हुआ जी ओजोन अते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ते फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जिहड़ा अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, जिहड़ी तेजाबी वर्खा होंदी है नाइट्रस ऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होंदी है जी। इसका फॉर्मूला होंदा जी NO2 ते SO2। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन आता है हरा ग्रे प्रभाव का की अर्थ है? हाँ जी, इसका आप अर्थ दसना है। 4 ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट दिता है वायुमंडल विच ग्रीन हाउस गैस के कारण तापमान जिहड़ा वधदा है, सैकेंड ऑप्शन है वध तापमान विच सब्जियां का उत्पादन, थर्ड ऑप्शन दिता है कांच के मकानों में सब्जियां का उत्पादन, तो फोर्थ है जी इन विचों कोई नहीं। हाँ जी, हरा ग्रे प्रभाव इसका की अर्थ है? हाँ जी, इसका अर्थ है जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वायुमंडल विच ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का वधना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है ताजमहल किस कारण प्रभावित हो जाता है? 4 ऑप्शन ने। फर्स्ट दिता जी ग्रीन हाउस गैसों कारण, सैकेंड ऑप्शन है ओजोन के कारण, थर्ड ऑप्शन है तेजाबी वर्खा कारण,
ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐੱਫ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਬਰਟ ਬਰਾਊਨ ਨੇ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਵਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐੱਫ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਾਬਰਟ ਬਰਾਊਨ, ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਰਾਬਰਟ ਬਰਾਊਨ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ, ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਲੈਂਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਵਾਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਾਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਦੋ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੰਜ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਟ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਕਰੋਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਏ ਬੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਓ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੀ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਏ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਏ ਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਨਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੈਸਟ੍ਰੀਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਟਾਇਲਿਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਪੈਪਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਗੈਸਟ੍ਰੀਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਟਾਇਲਿਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਚਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੀਲੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਲੀਵਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫੇਫੜੇ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਪਲੀਨ। ਜੀ ਪੀਲੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਰ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਚੇਚਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚੇਚਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰੂਬੀਓਲਾ ਵਾਇਰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬੇਰੀਓਲਾ ਵਾਇਰਸ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਰੀਓਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਕਸੋ ਵਾਇਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਚਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੇਰੀਓਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
जर्मन खसरा है जिहड़ा वह रूबेला वायरस के कारण हुंदा है। जेकर पूछा जाए कि जर्मन खसरा किस कारण हुंदा है तो इसका आंसर अपना ए है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है गां का दुध किस कारण हल्का पीला हुंदा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन अपने को दिते हुए ने। फस्ट है जेथोफिल, सैकेंड है जी राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन है लाइकोपीन, तो फोर्थ है केरोटीन। हाँ जी, आप दसना है कि गां का दुध है जिहड़ा किस कारण हल्का पीला हुंदा है। हाँ जी, वह किहड़े प्रोटीन के कारण हुंदा है, केरोटीन नाल। ऑप्शन डी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, साढ़े नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ा रोग हवा के कारण फैलता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन अपने को है, फस्ट है प्लेग, सैकेंड है जी टाइफाइड, थर्ड ऑप्शन है हेजा, तो फोर्थ है प्रोटोजोआ। जी, आप दसना है कि वह किहड़ा रोग है जिहड़ा हवा के कारण फैलता है। जी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, प्लेग। जी, प्लेग जिहड़ा रोग है वह हवा के कारण फैलता है। इस तो अलावा जेकर टाइफाइड की गल करिए, टाइफाइड जिहड़ा मालमोनीला नाँ के बैक्टीरिया के नाल फैलता है, तो ये पानी के भोजन राय जिहड़ा साडे शरीर में चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिता है जी हेजा, तो हेजा जिहड़ा फिब्रो कालेरी नामक जीवाणु के नाल जिहड़ा फैलता है, तो ये भी पानी के भोजन नाल साडे शरीर में चला जाता है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, हेठ लिखियां विचों किस विटामिन विच कोबाल्ट हुंदा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। आप दसना है कि हेठ लिखे विटामिन विचों किस विटामिन विच जिहड़ा कोबाल्ट वो प्रेजेंट हुंदा है। साडे कोल चार ऑप्शन ने। फस्ट है B1, सैकेंड ऑप्शन है जी B2, थर्ड ऑप्शन है B12, तो फोर्थ है B3। हाँ जी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 विच जिहड़ा कोबाल्ट पाया जाता है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, हेठ लिखियां विचों किहड़े तत् की कमी कारण हड्डियां कमजोर हुंदियां हन। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। साढ़े कोल चार ऑप्शन ने। फस्ट है कैल्शियम ते फास्फोरस, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन, तो फोर्थ है मैगनीशियम। हाँ जी, आप दसना है कि हेठ लिखियां विचों किहड़े तत् की कमी कारण हड्डियां कमजोर हो जांदियां ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ते फास्फोरस की कमी के कारण जिहड़ी शरीर दियां हड्डियां कमजोर हो जांदियां ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन है, मनुख के शरीर का तापमान की हुंदा है। साढ़े कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट है जी 37 डिग्री सैलसीयस, सैकेंड ऑप्शन है 98 डिग्री सैलसीयस, थर्ड ऑप्शन है जी 376 केल्विन, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, साढ़े मनुखी शरीर का जिहड़ा नॉर्मल टैंपरेचर किन्ना हुंदा जी 37 डिग्री सैलसीयस। ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। जेकर सैलसीयस विच पूछा जाए, जेकर फारनहाइट विच पूछा जाए, तो 98.6 डिग्री फारनहाइट, जेकर केलविन विच पूछा जाए तो 310 केलविन। तिन्ने विच आपां रिपीट कर दिंदे हां। फस्ट है जेकर सैलसीयस विच पूछा जाए तो 37 डिग्री सैलसीयस, जेकर फारनहाइट विच पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फारनहाइट, तो जेकर केलविन विच पूछा जाए तो 310 केलविन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखे विचों किहड़ा सप जहरीला नहीं है। हाँ जी, साढ़े कोल चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है कोबरा, सैकेंड है जी वाइपर, थर्ड ऑप्शन है कोरल सप, तो फोर्थ है अजगर। हाँ जी, आप दसना है कि किहड़ा सप है जिहड़ा जहरीला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, अजगर। हाँ जी, अज का लास्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं। हेठ लिखे विचों फ्लाइंग फोक्स किस नूं कहा जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन है अपने को। फस्ट है चमगादड़, सैकेंड है जी चील, थर्ड ऑप्शन है चिड़ी, तो फोर्थ है मोर। हाँ जी, आप दसना है कि किस नूं फ्लाइंग फोक्स कहा जाता है। तो फ्लाइंग फोक्स कहा जाता है जी चमगादड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा।
हाँ जी, अज की वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नू लाइक करियो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। हाँ जी, वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिथे भी तुसी शेयर करना चाहते हो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना है जी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से। उदों तक के लिए टेक केयर।